निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पूरे देश में लोकसभा चुनाव में मतदान में 7 चरणों में होगा। इसके तहत ही उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर SSS पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा और आगामी 4 जून को मतगणना होगी। मतदान के लिए राज्य में कुल 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में इस बार 83,71,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पर क्योंकि आप लोग सब विदित है कि उत्तराखंड में काफी 100% मेरा 20 साल की सर्विस हो गया, हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव होता है। हमारे लिए चैलेंज है एक्सपेंडिचर मनी और लिकर, ये दोनों चैलेंज है इलेक्शन करने के लिए। माननीय चुनाव आयोग ने भी इस बार नया सिस्टम शुरू किया है, एक्सपेंडिचर सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS बोलते हैं। ये 5 राज्यों में पायलट किया गया है। इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन में उसको यहाँ पर लागू किया गया है। इससे पहले क्या था, डुप्लीकेशन होता था, पुलिस ने भी पकड़ी लिखकर, एक्साइज ने भी पकड़ी लिखकर, वो डुप्लीकेट फिगर्स जाता था। इस बार जहाँ पर मौके पर जो कांस्टेबल ने सीज किया है, सब इंस्पेक्टर ने, वहीं पर उसकी एंट्री एक बार होगी। सो उस वजह से काफ़ी अच्छा प्रगति मिला है और इस बार हमारी विशेष फोकस रहेगा। मैं धन्यवाद भी दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को। ऑलरेडी हम लोग 7 करोड़ तक नगद हमने सीज किया गया है, बट क्योंकि रिपोर्टिंग में नहीं आएगा, बट ये बिकॉज हमने ऑलरेडी, आपने देखे होंगे, उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां पर बॉर्डर्स पे चेकिंग हुआ होगा। अगर आप लोग बीच में दिल्ली विल्ली होके चंडीगढ़ होके आए होंगे तो देखे होंगे, उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां जहां पर चेक पोस्ट ऑलरेडी लगी है और काम भी किया है। उस वजह से नतीजा है कि हमने लगभग 7 करोड़ रुपये सीज किया, बट एग्जैक्टली इलेक्शन रिलेटेड आज से हम दिखाएंगे। सो हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले 7 थे, इस बार हमने उसको 15 किया है। सो दैट मनी फ्लो को ये सब चीज़ वो लिस्ट में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं सारे पत्रकार बंधुओं को ये भी बताना चाहेंगे, हम हर 3 दिन मिलेंगे एक नया नया थीम लेके, सो दैट आपको डिटेल्ड हम आपको बताएंगे, वो भी जिस दिन एक्सपेंडिचर का आने वाले 2-3 दिन में ही रखेंगे उसको, सो दैट आप लोग एक अच्छा खबर बना सकें।